इस न्यूज के प्रायोजक है रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट डॉट बिग ऑन परफॉर्मेंस रॉकेट प्लस। अगर आप भी रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आज ही दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। कहाँ से मिलेगा इनको, इनको तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने जो गलती करी है, देखो ना, सुखबीर सिंह सुक्खू जी के मन में इतनी अच्छी भावना थी। अब कुर्सी के लालच के लिए जो अगर बंदा जो बिक जाता है ना जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिली, कांग्रेस पार्टी ने इनको जिताया, कांग्रेस पार्टी के लेवल पर ये मतलब MLA बने। कुछ ऐसे ऐसे विधायक भी थे जो मतलब तीन चार बार हमारे विधायक बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि जो पैसे लेकर जो उन्होंने जो अपना ईमान को बेच दिया। तो सुक्खू भाई जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ठीक निर्णय लिया है। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं केवल सिंह पठानिया जी हैं, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे सोच समझ कर जो इनके खिलाफ जो एक्शन लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनको चलो जैसे वो तो अपना जुडिशियल एंड के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर जो भी फैसला होगा, निर्णय होगा, वो अच्छा होगा। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक आम जो गरीब परिवार जिन लोगों ने इनको वोटे डालकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से MLA बनाया था, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में ही छुरा तोड़ दिया। बात तो ये नहीं है, बात ठीक है, जैसे अजय सबक सदस्य हमारा जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनु संघ जी को बनाया गया था यहाँ पर, तो उनका जो साथ देना चाहिए था इनको, ना कि वहाँ से इनको बनाया उनके खिलाफ जो वोटे करनी थी। रही बात हिमाचल की और बाहर के बंदी की, तो वो भी तो राज्यसभा इससे बैठ नहीं गए, यहाँ से बंदे और क्षेत्र में बने रहे सब सदस्य जाकर। तो हम मैं तो इतना बोलूँगा, 3-6 विधायक ने जो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है, तो इसके लिए हम तो ये कहते हैं इनको तो अपना सुप्रीम कोर्ट तो क्या या पब्लिक तो इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। इससे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी इसी हमारे की टीम है, जैसे हमारे गदौड़ के हैं ब्लॉक के डॉक्टर गदौड़ जी, राजीव जसर जी भोज से हैं मेरे बड़े, सुरेंद्र जयाल जी जिला परिषद है मेरे गदौड़ से, जीतू भाई हमारे संजय जी, तो मैं इन सभी का मतलब धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काम में समझा। क्योंकि यही मेरी टीम है कांग्रेस पार्टी की, जो हम इकट्ठा होकर बड़े सालों से इकट्ठे चले हुए हैं, और जहाँ भी हमें मुख्यमंत्री जी ने भेजा वहाँ पर सेवादल ने हवा में नहीं काम किया, ज़मीन पर चल के काम किया। और मैक्सिमम वहाँ पर जो जितने भी सीटों पर हमारी ड्यूटी लगाई गई थी हमीरपुर जिला की तरफ से मेरे साथ हमने भाइयों की, तो हमने वहाँ पर जीत दर्ज की। जैसे पंजाब में गए हम, हरकी में गए हम, जैसे पृथ्वी सिंह जी का इलेक्शन हुआ था वहाँ पर भी हमें ड्यूटी लगी थी मंडी में। तो सेवा दल जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो चलो अच्छी बात है, इन्होंने मेरे लिए मांगी। तो मैं भी अगर हाईकमान का आदेश होगा, माननीय सुखबिंदर जी सुक्खू जी का आदेश होगा, तो ज़रूर हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इसको मेरे काम को सदाई के लिए समझते हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम अगर ये भगवान ने ये मौका दिया या हमारे हाईकमान कांग्रेस ने ये मौका दिया, तो हम वहाँ पर अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। और गरीबों के जैसे हमारे सुखबिंदर सुक्खू जी गरीबों के MCA बने हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हम वहाँ पर दिन रात सेवा करेंगे अपने पब्लिक की, आम आदमी की, गरीब आदमी की।